हरे कृष्णा जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। जय कन्हैया लाल की। और देखिए हमारे कन्हैया के और ये साथ में माधव बाबू के भी, मम्मी के माधव हैं यही हैं। और अब रक्षाबंधन पे चले जाएंगे अपने घर। और ये झूले में बैठे हैं, इनके दर्शन करा रही हूँ ताकि मैंने वन बाय वन सबको झूला झुलाए थे, अपने कन्हैया को, माधव को, राधे गोविंद जी को। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करना। हरे कृष्णा राधे राधे कृष्ण दास के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कन्हैया और कन्हैया की मैया की तरफ से आप सभी को राधे राधे। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी वीडियो जरूर देखते होंगे, ये हमारा बस विश्वास है। और देखो कैसे मैं मटक रही हूँ, दिखा रही हूँ अपनी मेहंदी। तो ये तीज वाले दिन की है और पीछे भजन चल रहे थे तो इसलिए मैं अपने हाथों को भी डांसिंग हॉल में आपको दिखा रही हूँ कि मैं देखो कैसे ऐसे मेहंदी रचन लागी हाथों में, इस टाइप से कुछ। तो अब मैंने अपने कन्हैया को निकर पहना दी है और हरी हरी चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। और बहुत ज़्यादा प्यार करती है मेरी फ्रेंड, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड आपस में ऐसे कर लेते हैं, एक बार वो मुझे चूड़ी पहना देती है, एक बार मैं उसे चूड़ी पहना देती हूँ। तो अब की बार मेरी बेस्ट फ्रेंड कह रही मैं पहनाऊँगी, तो उसने इतने सुंदर कड़े और चूड़ी भेजी थी, बीच में कुंदन के मैंने अपने पास से लगा रखे हैं इसमें कड़े। तो देखो कितनी प्यारी चूड़ी है ना, बहुत सुंदर लग रही है। मैं उन्हें दीदी बुलाती हूँ, बहुत ही सुंदर दी चूड़ी। और उनकी बेटी ने मेहंदी लगाई थी मेरे, तो थैंक यू सो मच बेटा, इतनी प्यारी मेहंदी लगाती है। और जब रंग चढ़ जाता है ना तो फिर बार बार पति को भी दिखाती हूँ, देखो कितना कितना प्यार करते हो आप, मुझे इतनी अच्छी मेहंदी अच्छी है। और देखो मेरा कन्हैया मेरी मैया की बातें सुन सुन के और खुश होता है कि मैया मेरा श्रृंगार दिखा रही है और अपनी कहानी बता रही है। वाह 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 वाह, ठीक है ना, हर तरह की बात बतानी चाहिए जब इतने मन से मैंने लगाई और बेटी ने भी लगाई। तो चलिए जी, मैंने इनको पहना दिया है ये माला मोती की और कानों में पहना दिए फोम फ्लोवर, ठीक है ना, फ्लोवर बोलेंगे ना, हाँ। फ्लोवर और फॉलोवर दोनों कन्फ्यूज होते हैं, सॉरी भाई सॉरी। तो अब देखो अब इसकी ये ना चोली थोड़ी सी छोटी बनी थी पीछे, मतलब थोड़ी एक इंच और बड़ी होनी चाहिए, फिर मैंने पीछे टक कर दिया था। अब मैंने अपने कन्हैया बाबू के देखो कैसे हंसता रहता है, ये मेरे बेटा प्यारे बच्चे हैं, मम्मी पे गए हैं, हंसते रहते हैं। तो देखिए अब कानों में भी फॉर्म फ्लोवर, गले पे भी एक लगा दिया था, हाथों में कड़े पहना दिए हैं और हाथों में भी मैं एक एक फॉर्म फ्लोवर इनके लगा दूँगी ताकि पूरे हरे हरे मेरा पूरा बिहारी जी परिवार। और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं ना अब बाद में देख रही हूँ ना तो मुझे ऐसे लग रहा है मैंने सबकी वीडियो कैसे बना ली, उस दिन तो इतनी थकी हुई थी, इतनी तबीयत ख़राब थी। बट मैंने पिछली वीडियो में भी बोला जब प्रभु ने बनवानी होती है ना तो वो आपको दिमाग या कुछ भी हाथ पर अपने आप चलाने लग जाते हैं कि भाई करो भाई बनाओ। ये बाल लगा दिए और मेरे पास ये पगड़ी के कपड़े थे, दोनों मिक्स करके मैंने कॉम्बिनेशन कराया कुछ ऐसे कि पगड़ी के कपड़े और ये बाल मुझे ना इसलिए बहुत ही अच्छे लगते हैं, जूड़ा सा बना होता है, एक सेकंड में जो पगड़ी अगर मैं साइड में बांधती हूँ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। कन्हैया जैसे अभी जा रहा है गैया को लेके चराने के लिए तो बहुत ही प्यारी लगती है मुझे ये जूड़े वाले बाल। तो अब फिर मैंने इनके फॉर्म फ्लावर पगड़ी पे भी लगा दी थी और मोर पंख मेरा बेटे ने लगा लिया है। अब मैं लगाऊंगी इनके तिलक और फिर ये रेडी हो जाएंगे, हम बातों बातों में रेडी भी कर देते हैं, देखो पता भी नहीं चलता। और अब की बार बहुत श्री जी की कृपा हुई है, मैंने सबकी वीडियो बनाई है और अगर आपको अच्छी लगेगी, अगर इनकी इच्छा भी हुई और आपकी इच्छा भी हुई तो मैं कोशिश करूँगी सबकी वीडियो बनाने की। जो ड्रेस बहुत सुंदर लगती है वो खुद ही अपने आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो बने, ठीक है जी। तो ये फाइनल लुक है हमारे कन्हैया का। अब आपके प्यारे 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 का जो कमेंट है वही बताएंगे मेरी कन्हैया की सुंदर सी नज़र उतार देना कमेंट के जरिए। तो जय श्री राधे। अब आते हैं माधव बाबू के श्रृंगार पे। तो माधव के लिए तो कोई ड्रेस भूल गई थी, वो उन्हें भेजी नहीं थी, तो एक लहंगा एक्स्ट्रा था तो मैंने उनको पहना दिया था। पटका मेरे पास ये ग्रीन रखा ही था मोती वाला, वो पहना दिया था। गर्मी है तो ऊपर मैंने इनको टोप नहीं पहनाई थी क्योंकि बहुत छोटे हैं, तीन नंबर के हैं तो हैं ये। तो अब बस इनको पटका लगा दिया, गले में चोकर पहना दिया था, एक ये बड़ी सी माला थी। अब मेरा मन था वही मैंने जो माला में कानों वो लग रहे थे मतलब स्टोन से वो मैंने कानों पर चिपका दी, माला नीचे कर दी, तो दोनों काम हो गए, एक माला से दो काम हो गए,
एक पंथ दो काज, वाह वाह। तो एक मुझे कमेंट भी आया था, हमारे पास तकड़ी नहीं है, हम क्या करें, आप मुझे श्रृंगार का ये शो बताए। देखिए मैं सब कुछ वीडियो यहीं डालती हूँ, यहीं नंबर होते हैं, आपको खुद ही स्क्रॉल करना होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना होगा किसी में नंबर होते हैं किसी में नहीं होते। लेकिन श्रृंगार मैं कहाँ से लेती हूँ, उसके सबके नंबर है, ठीक है जी। और अगर आपके पास तकड़ी नहीं है तो आप जो गले में हार पहनाते हो उसको आप कमर पे भी बांध सकते हो। तो ये मेरे माधव का श्रृंगार है। अब आप कमेंट कर जरूर बताना कैसा लगा श्रृंगार। हरे कृष्णा। अब देखते हैं इसके बाद कौन सी वीडियो आएगी। जय श्री राधे।